रूस और यूक्रेन की जंग का 13वां दिन, और जब ये जंग तकरीबन 2 हफ्ते के मुहाने पर खड़ी है तो ये जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। बम बारूद हथियार यहां पर खुलकर बरस रहे हैं और आलम यह है कि शहर के शहर एक एक करके गिर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हौसले भी लगातार बुलंद हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का 13वें दिन एक वीडियो संदेश सामने आया जिसमें कहा गया कि देखिए हम हारे नहीं हैं, हम डटे हैं, हम लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। इसके साथ ही तीसरे दौर की बातचीत जो है वो भी सिरे से नाकाम हो गई। उम्मीद हालांकि बहुत ज्यादा किसी को नहीं थी, क्योंकि जो बयान निकलकर सामने आ रहे थे वो संकेत यही कर रहे थे कि ये लड़ाई यहां थमने वाली नहीं है। लेकिन जब हम जंग के 13वें दिन के मुहाने पर हैं तो जरा देखते हैं, 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि 10 दिनों के अंदर ये युद्ध कहां तक पहुंचा, क्या क्या इस युद्ध में हुआ, कैसे इस युद्ध ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया है और एक डर दुनिया के ऊपर लगातार मंडरा रहा है, जिस डर से निपटने के लिए, जिस डर से लड़ने के लिए हमें आपको सचेत रहने की जरूरत है। तो जंग के जब मुहाने पर हम खड़े और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आज जंग का 13वां दिन है तो ये जंग निर्णायक हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि मैं डटा हूं। लेकिन अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से, और ये खबर क्या है? जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि मैं छिपा नहीं हूं, मैं कीव में अपने घर में मौजूद हूं, ये लड़ाई लड़ रहा हूं, हम भागने वाले लोगों में से नहीं है। वीडियो जारी करके जेलेंस्की का कीव में होने का ये बड़ा दावा है। और एक बड़ा सवाल जो लगातार लोगों के मन में कौंध रहा था कि कहां पर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या वो पोलैंड भाग गए हैं, क्या वो छिपे हुए हैं, क्या वो दूर रहकर अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो ये नया वीडियो सामने आया है और इसमें जो बातें उन्होंने कही है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा कि मैं डरा नहीं हूं, हम किसी से डरने वाले नहीं है, ना मैं छिपा हूं, कीव के अंदर हूं, अपने घर के अंदर हूं और यहीं से ये लड़ाई लगातार हम लड़ते रहेंगे। तो वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो के जरिए कीव यानी कि राजधानी में होने का दावा जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, बार बार लोगों के मन में ये सवाल था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कहां पर हैं, क्या वो किसी रास्ते से निकलकर पोलैंड पहुंच गए। लेकिन अब खबर आई कि वो यहीं पर मौजूद है, कीव में मौजूद है। इधर रूसी हमलों के बीच एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहा कि वो कीव में हैं, किसी से छिपे नहीं हैं और ना ही वो किसी से डरते हैं। तो हम आपको बता दें जेलेंस्की की तरफ से यह बड़ा वीडियो संदेश जो है जारी किया गया है, और यह वीडियो इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि वो कहां पर है, क्या वो यहां से निकल गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने बार बार उन्हें ऑफर दिया कि हम आपको गाड़ी देंगे, आप चाहें तो हम आपको कीव के जरिए सुरंग के रास्ते बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में जेलेंस्की का यूक्रेन में होना और खासतौर पर कीव में होना यूक्रेन के लिहाज से, यूक्रेनी फौज के लिहाज से, उन विद्रोहियों के लिहाज से या उनकी आवाम के लिहाज से जो मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत अहम हो जाता है। यह अहम इस दृष्टिकोण से हो जाता है क्योंकि इस जंग का निर्णायक मोड़ उसी वक्त आया था जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने हमें ऑफर दिया है कि हम आपको गाड़ी के जरिए यहां से बाहर निकाल सकते हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें बाहर नहीं जाना है, हम चाहते हैं कि आप हमें हथियार दें, आप हमें गाड़ियां मत दें। और इस जंग के बाद, इस बयान के बाद यह कहा जाता है कि इस जंग ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया। वो यूक्रेनी फौज जिसको पुतिन बार बार ये ऑफर दे रहे थे कि वो सरेंडर कर दे, हम उससे बातचीत करने को तैयार हैं, उस यूक्रेनी फौज में जोश आ जाता है। वहां की आवाम कुछ मार्शल लॉ की वजह से और बाकी आवाम अपने जज्बे की वजह से डट जाती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए किस तरह से युद्ध जो है ये लगातार आगे बढ़ा है। हर बढ़ते दिन की कहानी जो है वो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, 13 दिन और ये 13 तस्वीरें आपको ये दिखाती हुई, समझाती हुई कि ये जंग कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। हालांकि उम्मीद इन 13 दिनों की बहुत कम लोगों को थी कि इस तरह से जंग आगे बढ़ती जाएगी, और जिस हिसाब से ये जंग आगे बढ़ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जंग अभी आगे और बढ़ सकती है। लेकिन 13 दिन में किस तरह से शहर दर शहर खाक हुए हैं, किस तरह से शहरों को बर्बाद किया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए फिलहाल 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। Вечерний Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок.
अब देखिए, जंग है तो वार भी होगा और वार होगा तो पलटवार भी होगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि बड़े एक रूसी अफसर को मार गिराया गया है। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। रूसी फौज के एक बड़े अधिकारी को मार गिराने का जो ये बड़ा दावा है, ये यूक्रेन के हवाले से किया गया है। रूसी मेजर जनरल जेरासिमोव को ढेर करने का जिक्र जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को मार गिराने का दावा यहां यूक्रेन की तरफ से, और यह भी कहा कि खार्किव की जंग में कई रूसी फौजी मारे गए हैं, लेकिन रूसी फौजियों के साथ एक मेजर जनरल रैंक का अफसर भी हमने मार गिराया है। तो अपने आप में यह जंग जो है ये अब निर्णायक होती जा रही है, क्योंकि बढ़ते दिनों के साथ दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, और इन दावों के बीच में हकीकत क्या है वो कुछ कुछ तस्वीरों से और कुछ कुछ प्रोपेगेंडा के जरिए सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में शहर बर्बाद हो रहे हैं, एक हकीकत ये है, लोग मर रहे हैं, दूसरी हकीकत ये है, और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ये भी इस युद्ध की एक सच्चाई है। इधर खबर ये भी आ रही है कि लवीव चर्च से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को हटा दिया गया है, ये बड़ी जानकारी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, और खबर ये है कि लवीव चर्च से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को हटाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का ये कहना है कि लवीव चर्च से जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति है उसे यहां पर हटा दिया गया है। रूसी हमलों के डर से हमने क्राइस्ट की मूर्ति को यहां से हटाया है। तो यूक्रेन ये कह रहा है कि देखिए, एहतियात बरतते हुए हमने यहां पर हटाया था, इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी यहां से इस मूर्ति को हटाया गया था। अर्मेनियाई चर्च ये, और इस चर्च में जीसस क्राइस्ट की यह मूर्ति रखी थी जिसे हटा दिया गया है। 14वीं सदी की चर्च से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति जो है उसे हटाया गया है, और इसके पीछे तर्क दिया गया क्योंकि तमाम धरोहरों को लगातार रूस निशाना बना रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने कहा कि एहतियातन इस मूर्ति को हम यहां से हटाते हैं। ये मूर्ति भी हम आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर हटाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मूर्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 14वीं शताब्दी की मूर्ति है, और तब से यहां पर लगातार लगी हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इसे हटाया गया था, और उसके बाद अब इसे हटाया जा रहा है क्योंकि रूसी फौज जिस तरह से इमारतों को, जिस तरह से ऐतिहासिक धरोहरों को वहां पर बर्बाद कर रही है, उसको देखते हुए एहतियातन कदम उठाया जा रहा है और इस मूर्ति को वहां से हटा दिया जा रहा है। तो ईश्वर आस्था और आस्था से लगाव, और इस लगाव के बर्बाद होने का डर, ये आज 13वें दिन की कहानी। और इस तस्वीर को आप देखिए, इस मूर्ति को आप देखिए, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति, इसका अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास को बरकरार रखने के लिए एहतियातन इसे यहां से हटाया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, और जीसस क्राइस्ट की यह मूर्ति जिसे यूक्रेन की फौज ने यहां से हटा दिया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि हमें डर है कि इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और क्योंकि हमारे इतिहास को यह समेटे हुए है, इस मूर्ति से यूक्रेनियों का एक भावनात्मक लगाव है, लिहाजा उन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए हमने इसे एहतियातन यहां से हटा दिया है। इस मूर्ति को लेकर जानकारी आ रही है कि ये 14वीं शताब्दी की मूर्ति है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी हटाया गया था। अब लवीव से आगे बढ़ते हैं खार्किव की तरफ, क्योंकि खार्किव को लेकर भी एक बड़ा दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने कहा कि देखिए, हमने रूसी पायलट को पकड़ लिया है, ये नई जानकारी सामने आ रही है। तो लवीव की बात खबर खार्किव से, जहां पर रूसी पायलट के जिंदा पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है, और ये बताया जा रहा है कि खार्किव में, आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट को मार गिराया था, और उस फाइटर जेट के मार गिराने के बाद जो पायलट था, जब वो बचने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी यहां पर पकड़ लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए फाइटर जेट को मार गिराने का दावा जो है वीडियो के जरिए जारी किया गया, और इसके साथ ही पायलट को पकड़ने का दावा जो है वो भी यहां पर किया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये तमाम दावे जो हैं ये लगातार किए जा रहे हैं, रूसी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा, और उसके बाद यहां पर इस पायलट को पकड़ने का जो बड़ा दावा है वो भी किया गया है।
दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल जीके बंसल सर जुड़ रहे हैं। बख्शी सर, शुरुआत में आपसे करूंगा। जंग का 13वां दिन है और जेलेंस्की का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं डरा नहीं हूं, छिपा नहीं हूं, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब तीसरे दौर की वार्ता फेल होना और जेलेंस्की का ये वीडियो संदेश आना, क्या संदेश आप देख पा रहे हैं इस युद्ध को लेकर? ये युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रूस की फौजों ने अभी तक काफी तेज उन्होंने कार्रवाई की है। वो जो केवल एक दिन की प्रेपरेटरी उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी बाय द एयर, जिसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। याद रहे, अगर मैं बराबरी करूं, इराक में 40 दिन अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी, युगोस्लाविया में 80 दिन बॉम्बिंग करने के बाद उनके जो ग्राउंड फोर्सेस थे वो अंदर गए थे। पहले रूस का प्लानिंग थी कि वो कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए सिविलियन पॉपुलेशन को बचाते हुए वो ये ऑपरेशन पूरा कर लेंगे। अमेरिका और नेटो ने बहुत उकसाया है यूक्रेन को कि वो जम के लड़े और जितना लड़ाई लंबी हो सकती है उसे करे। तो रूसी फौज कोई 150 किलोमीटर अंदर आके अब केव को घेर चुकी है। रूसी फौज साउथ में उसने मारियोपोल की बड़ी बंदरगाह और ओडेसा की बड़ी बंदरगाह को घेरा हुआ है। बाकी तमाम सी कोस्ट ले लिया है। क्रिमिया को लैंड लिंक कर दिया है दोनबास से। दोनबास में उसने जो रूसी भाषाई इलाके हैं तकरीबन उनको पकड़ लिया है। रूसी फौज की एक जो है बंदिश है, वो रेलवे पे अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, रेलवे लाइंस पे। इसलिए इतने लंबे एडवांस के बाद, 150 किलोमीटर के एडवांस के बाद उनको लॉजिस्टिक पॉज चाहिए होता है। ये लॉजिस्टिक पॉज उन्होंने तकरीबन पिछले कुछ दिनों सीज फायर के बहाने ले लिया है, ठीक है। और खासकर वो जो रॉकेट आर्टिलरी जो बहुत जबरदस्त रेट पे स्पेंड होती है, वो काफी उनका एक्सपेंडिचर हुआ था, अब वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका और नेटो ने साफ बोल दिया हम बीच में नहीं आए, तो आप मुझे बताएं कि रूस की फौज को अब जल्दी किस बात की है? वो तफसील से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तरह मार लगा रहे हैं। अब वो फाइनल फेज में आ रहे हैं जिसमें वो जो मुख्तलिफ सिटीज हैं उन पे अटैक करेंगे, उनको लेने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं ले सकते तो बर्बाद कर देंगे, एक इमारत खड़ी नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें क्या फायदा हुआ मुझे समझ नहीं आया। अगर यूक्रेन के कह देते कि साहब हम नेटो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि नेटो उनको नहीं ले रही, तो ये लड़ाई ही ना होती। अब रूस की शर्तें क्या हैं? रूस की शर्तें हैं कि यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए कि कभी वो नेटो में शामिल नहीं होगा। वो जो है जो दोनबास का इलाका और क्रिमिया का इलाका रूस का है, इसे मान ले, ये हमारी शर्तें हैं, बाकी हम छोड़ के चले जाएंगे। याद रहे 2008 में भी उन्होंने जॉर्जिया में जो केवल दो रूसी भाषी प्रांत थे, अबकाजिया ओसेटिया, उन पे कब्जा बनाए रखा था और उनको आजाद घोषित करके चले गए थे, बाकी सब जगह खाली कर दी थी। मुझे भी यही अंदेशा है कि वो जॉर्जिया जैसा रिपीट करेंगे, लेकिन पहले वो पूरा मिलिट्री, उनका स्टेटेड एम है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन मिलिट्री पोटेंशियल। जितना यूक्रेन लड़ता है उतना उसका मिलिट्री पोटेंशियल जो है डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। और साहब, ना केवल यूक्रेन का तबाही होगी लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का सवा सत्यानाश होगा। नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो रही है और उसका असर दिखना शुरू भी हो गया धीरे धीरे। हिंदुस्तान पे भी असर दिखेगा, लोगों के मन में डर है, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। लेकिन बंसल सर, हम और आप लगातार चर्चा करते रहे और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सर, जरा ये समझाइए आपकी, क्योंकि लगातार चर्चा का एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि यूक्रेन की फौज ने उन्हें पीछे ढकेला। अब यहां पर बख्शी सर जैसा एनालिसिस कर रहे हैं कि देखिए वो आराम से तफसील से घुसे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहा है इसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या रूसी फौज इस वजह से इत्मीनान से बढ़ रही है क्योंकि उसे पता है बाहर से कोई आने वाला नहीं है, या वहां से रिटेलिएशन बहुत ज्यादा है उस वजह से धीरे धीरे बढ़ रही है? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? रिटेलिएशन बहुत ज्यादा है, अवरोध भी बहुत ज्यादा है। जो रिपोर्ट आ रही है उनके टैंक चल नहीं पा रहे हैं, उनकी गाड़ियां नहीं चल पा रही, उसमें चीनी टायर लगे हुए थे उनकी गाड़ियों में, तो जो चीनी टायर है वो खराब होते जा रहे हैं, दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो उनके लिए कोई भी
युद्ध को खत्म करने के लिए फौज जो है बड़ी जल्दी करती है, और रशिया को तो बहुत जल्दी थी, वो तो 3-4 दिन में खत्म करना चाहते थे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत नुकसान हो चुका है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जा रही है, और यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया है, लेकिन रशिया को भी जो अभी युद्ध बंद कर देना चाहिए, उसमें ही इसकी भलाई है। उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, उनके यहाँ विद्रोह हो रहा है, और रिपोर्ट ये भी आई है कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी हो सकता है तख्ता पलट भी हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और यहाँ तक भी है कि कुछ इतने वहाँ पे इतनी दमनकारी नीति है रूस में कि उनके कुछ नागरिक वो फिनलैंड में जा रहे हैं, उनको ये है कि हमने विरोध किया है और हमको जो जेल में डाल दिया जाएगा, मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अभी तो रूस को ही समझना पड़ेगा। और यूक्रेन के बीच जंग का आज 13वां दिन है, और दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत में क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी देने से पहले हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन के जाइटोमिर और चेर्निहिव के तेल डिपो पर हुए मिसाइल हमले की तस्वीरें। ये तस्वीरें अपने आप में अहमियत रखती हैं, क्योंकि जाइटोमिर और चेर्निहिव में तेल डिपो पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल हमला किया गया। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, रूस से लंबी जंग की तैयारी में ज़ेलेंस्की भी हैं, ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। तो दोनों तरफ से ये माना जा रहा है कि युद्ध जो है वो लंबा चलेगा। विदेशों में तैनात अपनी फौज को वापस बुलाया है और लंबी तैयारी में ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि विदेशों में जो उनकी फौज तैनात थी वो वापस यूक्रेन बुलाई जाएगी, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन में रहकर यूक्रेन की सरजमी का डटकर मुकाबला किया जाए। जीडी बख्शी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीडी बख्शी सर, तमाम वॉर एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के उनके एनालिसिस सामने आते हैं। एक, इसकी वजह क्या है, और दूसरा जो ये खबर आ रही है कि यहां पर ज़ेलेंस्की लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी में है, इसके मायने क्या है? क्या यूक्रेन की फौज में इतना रसूख है कि वो रूस जैसी महाशक्ति से एक लंबी लड़ाई लड़ने की हैसियत रखती है? नहीं, देखिए, लड़ाई जब शहरों में होती है तो वो लंबी खींच सकती है। लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड, मिलिट्री इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर आप फोरकास्ट करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आपको मिलिट्री इतिहास पढ़ना होगा। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज आप प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के बुनियाद पे हम अपने फोरकास्ट ना करें। अमेरिका से, CNN से और लंदन से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि रूस जंग हार गया, यूक्रेन जीत गया, और अभी पुतिन साहब का तख्ता पलट हो जाएगा। अब ये सब मनगढ़ंत है। देखिए साहब, अगर हिंदुस्तान, लेट मी फॉर सिंपल एक्सप्लेन करने का तरीका, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध होता है और भारत के टैंक इस्लामाबाद को घेर लेते हैं, आप इसे किसकी जीत बताएंगे, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? 150 किलोमीटर अंदर है कईव, वो जाके घेरे में है। खारकीव वो तकरीबन कैप्चर हो चुका है, दोनबास तकरीबन कैप्चर हो चुका है, कोस्ट लाइन पूरी तकरीबन कैप्चर हो चुकी है। उसके जो क्रिटिकल इंटरेस्ट जो वो पकड़ना चाहता है हमेशा के लिए, वो है दोनबास, रूसी भाषाई इलाका, और क्रीमिया। दोनबास और क्रीमिया को उसने जोड़ दिया है, बाकी सारे पोर्ट्स को उसने ध्वस्त कर दिया है, और कोई रसद समुद्र मार्ग से नहीं आ सकती, कोई रसद हवाई मार्ग से नहीं आ सकती, क्योंकि S-400, S-500 मिसाइल्स हैं। देखिए, मेरा काम एज अ मिलिट्री एनालिस्ट चीयर लीडिंग करना नहीं है, मेरा काम एज अ मिलिट्री एनालिस्ट यथार्थ पे जाना है, हार्ड मिलिट्री रियलिटीज पे जाना है। और हार्ड मिलिट्री रियलिटीज कहती हैं कि अगर अमेरिका और नेटो हस्तक्षेप नहीं करते, कोई ताकत रूस को रोक नहीं सकती। आप चाहे जितना लीडिंग कर लें, बोले कि इस ब्यूटी क्वीन ने हथियार उठा लिए, कलाश्निकोव राइफल पकड़ ली, मैं सिर्फ याद सर आप जो बात कह रहे हैं सर, ये सारी बातें सही है, लेकिन हमारे साथ जो जेके बंसल सर हैं, शायद वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब उनका भी कोई आधार होगा, उसके आधार के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा सर आपके पास। बख्शी सर, मैं आपके पास आऊंगा, आपको काफी समय हमने दिया। श्वेता सिंह, क्योंकि हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, और आप भी कह रहे हैं कि यूक्रेनियन प्रोपेगेंडा से अच्छा है कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी जाए, क्योंकि वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो सच्ची रिपोर्ट्स हैं। ग्राउंड जीरो के हालात क्या है, जरा देखिए श्वेता सिंह की देखी कहानी उनकी जुबानी।
हम इस समय इरपिन में पहुंच गए हैं जहां सबसे भीषण संघर्ष, सबसे भीषण मुकाबला इस युद्ध का चल रहा है। देखिए यहां पर जो अवरोध के तौर पर पेड़ों को गिराने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहां का जो दाहिना इलाका है वहां पर बताया जा रहा है कि वहां से स्नाइपर्स निशाना साध रहे थे और सुबह ही कई नागरिकों को यहां पर गोलियां लगी, जिसके बाद से ये इवैक्यूएशन का काम लगातार जारी है। आप एम्बुलेंसेस देख सकते हैं, आप वो गाड़ियां यूक्रेन की फौज की देख सकते हैं जो भीतर दाखिल हो रही है। यहां पर टायरों का अवरोध के पीछे आप एक टेम्पररी बंकर के साथ आप यूक्रेन के सैनिकों को देख सकते हैं। देखिए जब भी गोले बरसते हैं तो जब एक धूम आप सुनते हैं उसका मतलब होता है आक्रमण, यानी गोला आकर गिरा है उस शहर पर। लेकिन जब आप एक के बाद एक धमाके सुनते हैं उसका मतलब जमीन से यहां से जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन की ओर से उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के भी इस्तेमाल की बात कही जा रही है, जो कि यहां इरपिन शहर में की जा रही है। इरपिन शहर का नाम भी यहां लिखा हुआ है, यहां की भाषा में आप देखिए, और आगे आप बूचा डिस्ट्रिक्ट को भी लिखा हुआ देखिए। सबसे भीषण जंग यहां तक पहुंच चुकी है, सिविलियंस को यहां से निकाला जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है। जो यहाँ की यूक्रेन की सेना है ये जमीन पर मौजूद उस मुकाबले को अंजाम दे रही है, और इस समय ग्राउंड जीरो से आज तक आपको ये सारी जानकारियां इस समय दे रहा है इरपिन का ये मुकाबला, ये संघर्ष, जो ये निर्धारित करेगा कि कीव शहर कितना और कब तक महफूज रह पाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, इरपिन। आज तक आप उस बैरिकेडिंग के आगे का ही वो है, वो जगह जहां पर लड़ाई चल रही है, और आप इस समय जो लोगों को देख रहे हैं ना, देखिए वो बच्चे के साथ वो परिवार आ रहा है उस इलाके से, उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें बस निकाला जा रहा है वहां से। कुछ कुछ लोग अभी देखिए एक और एम्बुलेंस को आता हुआ आप देख रही है, अपनी तस्वीर मोहसिन आपको दिखाएंगे। एम्बुलेंस एक आ रही है, बहुत तेजी से ये गाड़ियां यहां पर पहुंचती हैं। जो लोग चल सकते हैं वो पैदल आ रहे हैं, और जो लोग नहीं चल सकते, ये बिल्कुल मैं सटे हुए इलाके में हूं, पूरी बमबारी यहां पर चल रही है, गोलीबारी चल रही है, ये गाड़ी यहां पर आएगी और अभी देखिएगा उतारेंगे। यहां पे सिविल डिफेंस के लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं जो कि पूरे हथियारों से लैस हैं, और ये तमाम लोग इन गाड़ियों में सवार जिन्हें निकाला जाता है, बच्चों के साथ कोई है या फिर कोई चलने में सक्षम नहीं है, वो सारे लोग यहां से जितना सामान हाथ में आ पा रहा है घर का वो सारी चीजों को लेकर वो सब वहां से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप लगभग 1 किलोमीटर का दायरा समझ लीजिए नेहा, जहां पर हम खड़े हैं और जहां पर ये भयंकर लड़ाई इस समय चल रही है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। ये हवाई बमबारी भी इसमें चल रही, आर्टिलरी शेलिंग की भी बातें सामने आ रही हैं, सिविलियन इलाकों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स से हमलों की भी बातें आ रही हैं, और किस उस सब के बीच से उस युद्ध की स्थिति से बाहर भी निकाला जा रहा है लोगों को यहां यूक्रेन के। सबके चेहरों पर आप व्यथा देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी राहत की कम से कम उससे 1 किलोमीटर दूर तो आ गए, यहां से फिर अब सबको निकाला जा सकेगा, यहां से अब सबको दूर। और ये जैसे ही इस गाड़ी से इन सबको उतारते हैं ये फौरन निकल जाते हैं, और चंद मिनटों में ये लेकर आ रहे हैं वहां पर, जान पर खेल रहे हैं अपनी, और उन सबको यहां से निकाल कर ला रहे हैं। तो जंग की आंखों देखी कहानी आपने श्वेता सिंह की जुबानी सुनी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त एक और अहम खबर आई है नई, और आपको बता दें जानकारी, लियोनार्डो डी कैप्रियो की यूक्रेन को आपको बता दें यहां पर मदद दी गई है, और खबर ये आ रही है कि यूक्रेन को $1 करोड़ दिए हैं। तो आपको टाइटैनिक फिल्म के हीरो, आपको याद होगा मशहूर अभिनेता है, हॉलीवुड स्टार है, और लियोनार्डो डी कैप्रियो की तरफ से यहां पर जो ये, और ये बताया जा रहा है कि इनकी दादी जो थी वो यूक्रेन के ओडिशा की थी, लिहाजा इन्होंने यूक्रेन को $1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। तमाम फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, जिसमें टाइटैनिक प्रमुख तौर पर इनकी फिल्म है, और वर्ल्ड बैंक से यूक्रेन को अब तक $72 करोड़ मिले हैं। जेके बंसल सर हमारे साथ लगातार बने हुए। जेके बंसल सर, आर्थिक मदद दुनिया दे रही है, लेकिन जमीन पर जो कहानी श्वेता सिंह ने भी दिखाई वो ये है कि शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, 90% आबादी जा चुकी है। कल उनके सांसद के भागने की खबरें आई थी, फिर जो बातें आप कह रहे हैं उनका आधार क्या है सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है और इसको यूक्रेन को हारना ही है, हारना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि श्री पुतिन जी महान नेता हैं, मैं उनका फैन हूँ। यहाँ पर अब बात आती है ह्यूमन त्रासदी कि जो नुकसान हो रहा है, आप सब फोटो आ रहे हैं, शहर बर्बाद हो चुके हैं, 15 लाख लोग जो हैं बाहर जा चुके हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समय और आगे जो नाटो ने भी उसने कहा है कि अगर 10 दिन जो युद्ध और चलता है तो नाटो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, न्यूक्लियर खतरा बना हुआ है, न्यूक्लियर बम का खतरा बना हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट का खतरा बना हुआ है, तो एक महान नेता को क्या आपको लगता है इसमें नाटो इन्वॉल्व हो सकता है सर? बख्शी सर हाथ उठा रहे हैं, बख्शी सर, क्या किसी भी स्थिति में नाटो इन्वॉल्व हो सकता है?
और उसमें क्योंकि अगर इन्वॉल्व होना होता तो उनके नेताओं से ये बयान निकलकर सामने नहीं आते कि यूरोपियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, चाहे जो बोरिस जॉनसन की बात करें, इमैनुअल मैक्रों की बात करें। जीडी बख्शी सर, क्या नेटो इन्वॉल्व हो सकती है जमीन पर? देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने, तमाम नेटो के नेताओं ने, बोरिस जॉनसन ने खुलकर ये ऐलान कर दिया है जिस दिन जंग शुरू हुई थी और उससे पहले, वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। उसके बाद ज़ेलेंस्की साहब ने बहुत गुहार लगाई कि आप जो है एक एयर एक्सक्लूजन जोन, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो, जैसे इराक में किया था, यूगोस्लाविया में किया था, वो भी उन्होंने साफ इंकार कर दिया। देखिए, इसमें रिस्क है। अगर आप किसी न्यूक्लियर देश को, रूस के पास 6,300 न्यूक्लियर वॉरेड है, अमेरिका के पास 5,400, ठीक है साहब, तो आप समझते हैं कि रूस अपने आप को बर्बाद होने देगा? इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जब जहां तक उसको ले जाए वो चुपचाप सहन कर लेगा, वो तिल मिलाया हुआ है, और उसने तो आपको चेतावनी दे दी है कि मैं न्यूक्लियर एस्केलेशन कर दूंगा। इस न्यूक्लियर एस्केलेशन से घबरा के अमेरिका, जो अपना मिनट मैन मिसाइल टेस्ट कर रहा था, उन्होंने उसे बंद किया और उसे रोक दिया, अपनी डेफकॉन कंडीशन को नहीं बढ़ाया। अब आप जो है चीयर लीडिंग कर करके न्यूक्लियर वॉर अगर चाहते हैं तो वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि इस बार देखिए रूस बड़ा क्लियर है कि 1991 में उसकी इकोनॉमी तबाह करके सोवियत संघ को तबाह कर दिया था, क्या वो दूसरी बार चुपचाप तबाह होगा? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये फलसफा है इस वक्त। तो वो देखिए, जब तक नेटो की या अमेरिका की फौजें हस्तक्षेप नहीं करती ग्राउंड पे, यूक्रेन के लिए कोई बचाव नहीं है। तो वो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जो बात कही, इफ कीव विल फॉल बट व्हेन, नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, कीव फॉल होगा और क्या कीव को गिराने की मंशा अब तक नजर आई है? क्योंकि मानवीय कॉरिडोर का खुलना हो या बाकी चीजें, रूस ने अब तक कम से कम लोगों पर हमला नहीं किया। लेकिन बंसल सर, ये आधार आपका क्या है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि देखिए वो नेटो जिसने नो फ्लाई जोन नहीं बनाया, वो नेटो जो शुरुआत से इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो 10 दिन बाद इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा? नहीं, वो अच्छी बात है, और उन्होंने अगर मिसाइल का टेस्ट भी रोक दिया, ये भी अच्छी बात है। इस समय अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज आती है कदम, या वो डर रहे हैं, वो भी एक विश्व के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ेंगे अगर वो भी इधर दोनों लोग तान लेते हैं तो फिर उसमें तो बिल्कुल विनाश होगा ही, संभव ही है। तो एक समय पर क्या स्टेप लेना चाहिए वो बहुत जरूरी है मानवता को बचाने के लिए। तो इसलिए मानवता को बचाने के लिए इस समय बहुत जरूरी है कि रिट्रीव बैक में भी कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो क्या मानवता को बचाने के लिए आपको ज़ेलेंस्की कोई कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल तीसरे दौर की बातचीत थी, उससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि देखिए रशिया पर सैंक्शंस और बढ़ा दीजिए। तो एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या ज़ेलेंस्की का जो अप्रोच है वो पीस की तरफ है या उन्हें ये युद्ध लड़ना है? क्योंकि तीसरे दौर की वार्ता से पहले अगर आप युद्ध की बातें करते हैं, सैंक्शंस की बातें करते हैं, तो ये संदेश साफ है कि वहां मीटिंग में भी आप सुलह करने नहीं जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की बिल्कुल, वो तो डेस्परेट हैं। डेस्परेट इसलिए हैं, अगर किसी को ये कहा जाए कि इस आदमी को यहां से हटा के दूसरे को प्रेसिडेंट बनाना है, जो कि एक हो रहा है, अगर वो सरेंडर करते हैं तो गए, मतलब वो तो विक्टर आ जाएगा वहां। तो अब वो तो एक डेस्परेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर एक आदमी लड़ता है। ये तो जो है सभी कहते हैं कि जब किसी को कॉर्नर किया जाएगा तो वो तो लड़ाई लड़ेगा, उनके ऊपर कोई चारा नहीं है। उनके ऊपर में जो जिस तरह की सत्य लगाई जा रही हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या पूरे देश पर युद्ध थोपकर, जी पूरे देश पर युद्ध थोपकर ये कीमत लगाकर कि पूरे देश को युद्ध में थोप दिया जाए, एक महाशक्ति के हथियारों के सामने बंदूक ले खड़ा कर दिया जाए? जो उनका शुरू का स्टार्ट था वो गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको पता जी, था ठीक है सर, सारी सेना से भिड़ने जा रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ क्योंकि हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जुड़ रही है ग्राउंड जीरो से। श्वेता, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आप लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रही हैं, बहादुरी भरी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आज जब जंग के 13वें दिन हम खड़े हैं, जरा दर्शकों को बताइए 13वें दिन ये क्या अपडेट है, और एक सवाल जो हर किसी के मन में है, कब तक बचेगा ये कीव? बहुत पेचीदा स्थिति है। देखिए, रूस की तरफ से बार बार कह दिया जाता है कि हम 4 शहरों को आपको सीज फायर दे रहे हैं, आज सुबह से फिर एक बार सीज फायर का ऐलान है, लेकिन यूक्रेन इस बात को समझता है कि जो रूस का
सुरक्षित गलियारे की पेशकश है, उसमें क्या कीव की बर्बादी छुपी हुई है? देखिए, अगर आम नागरिक सारे के सारे यहां से निकल जाएंगे उस टाइम, तो उसके बाद ये भी खतरा उसे है, ये भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी बमबारी वो कर देगा। लेकिन इसका दूसरा नजरिया ये हो जाता है कि क्या फिर आप ह्यूमन होस्टेज होल्ड कर रहे हैं लोगों को? तो दोनों देशों के बीच पिसती हुई एक देश की जनता आपको साफ साफ नजर आती है शुभांकर। पूरी रात, हर रात, मतलब दो रातें यहां पर कीव में लगातार फाइटर जेट्स के उड़ने की आवाजें आपको रह रहकर आती रहती हैं, क्योंकि इरपिन जो शहर है उत्तर की दिशा में, यहां से बहुत ज्यादा दूरी उसकी नहीं है। अगर मध्य कीव से भी हम उसका उसका डिस्टेंस देख लें तो मुश्किल से 30 किलोमीटर रहेगा, और अगर आप उत्तर की ओर बढ़ें, जैसे कल इरपिन शहर तक हम लोग गए, तो बहुत भीषण बमबारी वहां पर हो रही है। और न सिर्फ भीषण बमबारी हो रही है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी रह रहकर वहां पर जवाब दिया जा रहा है। अब कल 2000 नागरिकों को वहां से निकाला गया था, लेकिन शहर की आबादी बड़ी है, तो वहां से कैसे लोगों को निकाला भी जा सके उस भीषण लड़ाई के बीच? और कीव के जो का जो शहर है, यहां पर लोग कितना खुद को सुरक्षित महसूस करें? लेकिन देखिए शुभांकर, एक बार अगर कीव शहर के भीतर ये लड़ाई दाखिल हो गई, रूस या तो दो ही चीजें कर सकता है, या तो उसको बमबारी करके जो जो उसका राजनीतिक विरोध है और जो तख्ता पलट एक तरह से उसे करना है वो करेगा, तो उसमें बहुत बड़ी तबाही होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो फिर उसे सड़क सड़क पर, गली गली पर एक युद्ध लड़ना होगा, और फिर वो लंबा खींचता चला जाएगा। शुभम जी, श्वेता, एक सवाल और बार बार मन में आता है, और तमाम एक्सपर्ट्स इसको लेकर दो राय रखते हैं कि ये जो युद्ध लंबा खिंच रहा है, ये रूस की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या जो वहां से रिटेलिएशन मिल रहा है, या रूस क्योंकि आम लोगों पर कत्लेआम नहीं करना चाह रहा है, उसकी वजह से ये लंबा होता जा रहा है? देखिए, रिटेलिएशन उतना कड़ा, मतलब पॉकेट्स में है, ये इस बात की, इस जज्बे की तारीफ करनी होगी। बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे एकजुट हो जाते हैं उस लड़ाई के लिए। आपको सिविलियंस के पास हर जगह वो पेट्रोल बम रखे हुए नजर आ जाते हैं, जो हम शुरुआत में ये चर्चा करते थे कि क्या आम नागरिक उस हिसाब से यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति इसमें अपनी अपनी इज्जत, अपनी अपनी अपने देश की तरफ उनकी जिम्मेदारी को देख रहा है, अपनी जमीन की ओर अपने दायित्व को देख रहा है। हथियारों के हिसाब से तो नहीं, आप फाइटर जेट्स केवल दुश्मन के जिस देश के आसमान में सुन लें, उसमें समझ लीजिए कि दूसरे देश का मुकाबला क्या हो रहा होगा। तो जमीन पर जो सैनिक है वो जरूर मुकाबला कर रहे हैं, जमीन पर जो सैनिक है वो जरूर इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बार बार रह रहकर आपको सुनाई देते हैं, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो रूस केवल इस वजह से नहीं रुका हुआ है अपनी जगह पर, और उसकी गति धीमी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस, बल्कि उसकी अपनी थोड़ी सी शायद गलतियां हुई हैं, जो अब तो आज क्या पांचवा दिन हो गया उस काफिले को रुके हुए जो कैविकेड कीव की तरफ पहुंचना चाह रहा है। अब सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है उस हिस्से की, अब सोचिए कि अगर एक काफिला बख्तरबंद गाड़ियों का, टैंकों का चल रहा हो, जितने आपके रिजर्व जो आप फ्यूल लेके चलते हैं, ईंधन लेकर चलते हैं, अगर वो इस्तेमाल हो चुका है, तो ईंधन की गाड़ी आप तक पहुंचने में, हेलीकॉप्टर्स को क्योंकि नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट डाउन किया जा रहा है, आपका जो सप्लाई लाइन है वो आखिर चलेगा कैसे? फाइटर्स कोई ड्रॉप तो करेंगे नहीं कि तेजी से निकल जाए और एंटी एयरक्राफ्ट गन से बच जाए, तो ये चीजें पहुंचेंगी कैसे? दूसरे कुछ गाड़ियों का ये भी बताया जा रहा है कि उस कॉलम में ब्रेक डाउन हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। एक भी गाड़ी का अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक थ्योरी तो चाइनीज टायरों की भी आ रही है, लेकिन अब ये कितनी पुख्ता है पता नहीं। कुछ ये तस्वीरों के साथ ये जरूर सामने रखा गया कि चीनी टायरों का इस्तेमाल था और वो फटे हुए पड़े हुए हैं रास्ते भर में, और इसीलिए ये स्टॉल हो गया है काफिला। तो इसमें रणनीति रूस की बाकी जगह तो सही चल रही है, लेकिन इस काफिले के साथ मुझे लगता है कि रूस से गलती हो।